दोस्तों, आज के मॉडर्न लाइफ में लोग आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करने से झिझकते हैं। इसके बदले वो छोटी से छोटी बीमारियों में भी सीधे डॉक्टर के पास जाकर मोटी रकम देकर इलाज करवाना बेहतर समझते हैं। लेकिन हमारे आसपास ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन हमें सही जानकारी न होने की वजह से हम इसका सही फायदा नहीं उठा पाते। आज मैं आपको ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जिसके सेवन से हाथ पैर, कमर दर्द, नसों में दर्द, बदन और मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, सुस्ती, शारीरिक कमजोरी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल में लाभ मिलने के साथ साथ आपका मस्तिष्क भी तेज होने लगेगा। और वो औषधि है बादाम, दूध और खसखस। जी हाँ दोस्तों, इसके सेवन से शरीर को बहुत लाभ मिलने लगेंगे। आइए जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है। चार बादाम भीगा हुआ, एक चम्मच खसखस को एक गिलास गर्म दूध में मिला लें। इसको आप शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच सेवन करें। अगर आप चाहें तो रात को सोने से पहले इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। सबसे खास बात यह है कि इसके सेवन से यह आपके शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। यह न केवल आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से बचाता है बल्कि आपकी दिमागी क्षमता में भी इजाफा करता है। दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा। शरीर में कमजोरी है तो इसका सेवन आज से ही चालू कर दीजिए। यह शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। कब्ज की समस्या से पीड़ित है तो यह कब्ज से छुटकारा दिलाएगा तथा पाचन को मजबूत करने में मददगार होता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह एक बढ़िया और स्वादिष्ट विकल्प है। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अनिद्रा की समस्या से ग्रस्त लोग जिन्हें भी रात को नींद नहीं आती वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। यह अच्छी नींद लाने के लिए सहायक साबित होता है। यह शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द को जड़ से निकाल फेंकेगा। दर्द चाहे कैसा भी हो, हम सभी तुरंत राहत पाना चाहते हैं। ऐसे में खसखस बादाम दूध दर्द में काफी उपयोगी साबित होता है। खसखस में मौजूद अल्कालाइड्स दर्द को दूर करने में मददगार साबित होता है। मांसपेशियों का दर्द हो या फिर दांत का दर्द, नसों का दर्द हो या फिर जोड़ों का दर्द, इन सब के लिए खसखस का इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में खसखस आपको आसानी से मिल जाएंगे। सांस संबंधी तकलीफ होने पर भी यह काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ यह खांसी को कम कर सांस संबंधी समस्याओं में लंबे समय तक आराम दिलाने में भी मदद करता है। इसे दूध के साथ लेने से शरीर में खून की कमी दूर होती है और एनीमिया से बचा जा सकता है। खसखस में मौजूद अल्कालाइड शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा कैल्शियम को सोख कर किडनी में स्टोन बनने को रोकता है। फ्री रेडिकल के प्रभाव से खसखस बचा सकती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कैंसर और बुढ़ापे संबंधित बीमारियों को रोकथाम में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल के हमलों से शरीर के अंगों की रक्षा करता है, इसीलिए खसखस को अपने आहार का एक हिस्सा बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, फायदेमंद लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर से मिलूंगा अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।